सिर्फ चुनाव होने तक रोजगार देंगे। वो होने के बाद रोजगार कहाँ है? मेहनत करो, आत्मनिर्भर बनो, रास्ते पर चाय बेचो, पकौड़े बेचो, यही बोलेंगी सरकार। जब हम घर जाएंगे तो क्या बताएंगे उसके? तो हम यहाँ भूख हड़ताल करने के बाद मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है हमें? क्या करें, कोई तो उम्मीद लेके ही बैठेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास दूसरा। अगर लाठी खाएंगे तो भी चलेगा, भर्ती के लिए जाते तब लाठी खाते ही है, तो अब भी खाएंगे। पहले बार दो तीन बार तो खाई है, एक बार खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। एक बार फिर हम दिल्ली में मौजूद हैं SSC GD 2018 के अभ्यर्थियों के बीच, क्योंकि देखिए 50 दिन होने को आए हैं लेकिन इनकी मांगे जो हैं वो सरकार नहीं सुन रही। पिछले 50 दिनों से ये लोग दिल्ली में कभी इधर भटक रहे हैं, कभी उधर भटक रहे हैं, कभी गाजीपुर बॉर्डर पर ये लोग जाते हैं, कभी बंगला साहिब गुरुद्वारे में जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बात जो है वो सरकार तक नहीं पहुंच रही। तमाम कोशिश ये लोग लगातार करते नज़र आते हैं, तमाम प्रयास ये लोग लगातार करते हैं, लेकिन इनकी बात कहीं ना कहीं दबाई जाती है और कहीं ना कहीं इनकी बात आगे तक नहीं पहुंच पाती। एक बार फिर आज हम इन लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे आगे ये लोग अब क्या कुछ करने वाले हैं, आगे इनका क्या प्लान है। आप बताइए, अब जिस तरह से देखिए आपका मुद्दा संसद में भी उठ गया, उसे भी उठे हुए एक हफ्ता हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं समाधान निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे आगे? आगे हम ऑपोजिशन की परमिशन लेने वाले हैं, लेकिन परमिशन के लिए अर्जी डाली दी तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट से आदेश आया है 10-15 दिन के बाद आना, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है इसलिए परमिशन नहीं मिल रही है। लेकिन परमिशन नहीं मिली तो हम ऐसे ही बैठ जाएंगे, कुछ भी वो पुलिस चाहे लाठियाँ चार्ज करे तो भी चलेगा। हम MP वगैरह से भी मिले लेकिन वो बोलते हैं कि सांसद में बात बोलेंगे, लेकिन अभी तो सांसद ख़त्म हो गई तो MP चले गए सब, अभी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हमें ऑपोजिशन पे लेकिन देखिए जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप बिना परमिशन, अगर परमिशन भी नहीं मिली तो आप लोग ऐसे ही बैठ जाएंगे सड़कों पर, ये तो आप पहले भी कर रहे थे, तब कितनी बार आप लोगों पर लाठीचार्ज भी हुआ, कहीं ना कहीं आप लोग पहले भी ये चीज़ कर चुके हैं लेकिन समाधान कुछ नहीं निकलता, फिर किस उम्मीद से आप लोग बैठेंगे? क्या करें, कोई तो उम्मीद लेके ही बैठेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास दूसरा। अगर लाठी खाएंगे तो भी चलेगा, भर्ती के लिए जाते तब लाठी खाते ही है, तो अब भी खाएंगे। पहले बार दो तीन बार तो खाई है, एक बार खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और बार खाएंगे, कुछ ना कुछ तो ट्राई करेंगे ही, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये अभी जितने भी अभ्यर्थी अभी मेरे साथ मौजूद हैं ये सभी के सभी महाराष्ट्र से हैं, यानी कि देखिए महाराष्ट्र से ये लोग चलकर यहाँ दिल्ली पहुँचे थे इसी उम्मीद से कि केंद्र सरकार इनकी बात सुनेगी और सरकार इनकी जो है समाधान समस्या का वो कर सकेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बात यहाँ पे भी सुनी नहीं जा रही। आप बताइए, देखिए आपने महाराष्ट्र से आप लोग आए हैं, इतनी दूर महाराष्ट्र से दिल्ली चलकर आए, वहाँ आपने क्यों नहीं बात की किसी बड़े नेता से? मैडम, हमने वहाँ पे भी अजय रिजल्ट लगने से पहले हमने भी वहाँ पे अशोक राव चौहान जी को मेमोरेंडम दिया था, फिर प्रतापराव पाटिल चिकलीकर को भी, इनको भी मेमोरेंडम दिया था। उन्होंने आगे प्रोसेस की या नहीं ये मालूम नहीं, लेकिन कहाँ से भी हमारे जवाब का आंसर नहीं आया है और इससे कोई प्रोसेस हुआ है नहीं, हमें अभी तक पता नहीं। ये सब SSC ऑफिस, PMO ऑफिस, HMO ऑफिस, सभी जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बड़े बड़े व्यवहार होते हैं यहाँ पे होते हैं, और ये भारत की राजधानी है। हमें लगा है कि भाई हमारा मुद्दा, हमारी आवाज़ यहाँ से उठ सकता है, इसलिए हम दिल्ली में आके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी मांग सबके सामने रख रहे हैं। फिर भी अभी तक हमें कोई सुनवाई, हमें अभी तक कोई सुनवाई नहीं मिली, और हमें बस कुछ, हमें इतना ही चाहिए था कि बस सरकार हमारी बात सुने, कोई आके हमको बात करे और हमारे जो मांगे वो पूरी करे। हमारे जो सपना बचपन से हमारा जो सपना था वर्दी का, हमें वर्दी दे। हम तो कुछ नहीं मांग रहे, ये क्या UPSC MPSC, हमको IAS ऑफिसर की जो भर्ती नहीं है, हम सिर्फ जो 10वीं पास पे है, जो जनरल ड्यूटी है और 10वीं पास पे होती है, साधारण ड्यूटी है हमारे, वो भी देश की सेवा करने के लिए। यूं ही कहाँ भी जाके कुर्सी पे बैठने की ड्यूटी नहीं है या कोई ऑफिशियल जॉब नहीं है, रात दिन इसके लिए भी मेहनत कर पड़ती है। और दूसरी बात ये मैम, हमने ये वर्दी पाने के लिए कम से कम अपने लाइफ के 7 साल डाले हैं। ये 3 साल को तो भर्ती में चले गए और पहले 3 साल से रिटर्न की भी तैयारी करनी पड़ती है, और जो फिजिकल रहता है मैम, यूं ही फिजिकल मैडम पास नहीं होता है। सुबह चार बज के उठकर हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब कहाँ, और भर्ती में
दौड़ भी ऐसी होती मैडम 5 किलोमीटर दौड़ पड़ती है और उसमें भी भर्ती मारने से जब जो ट्रैक रहता है उसका चढ़ उतर रहता है नीचे ऊपर वो बहुत बिल्कुल मतलब देखिए कहीं ना कहीं मेहनत आप लोगों ने खूब की है लेकिन उस मेहनत का फल अभी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए अभी मेरी आपसे बातचीत हो रही थी, शरद पवार का आप जिक्र कर रहे थे, आप लोगों ने शायद शरद पवार से भी बातचीत की है, उनकी तरफ से क्या जवाब आपको दिया गया? अभी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है, उन्होंने कहा था ठीक है हम आपके आपकी बातचीत आगे लेके जाएंगे और होम मिनिस्टर जी से बात करेंगे, लेकिन मैम बात करने से पहले उनकी तबीयत फिलहाल बिगड़ गई है, वो हॉस्पिटल में थे अभी वो रिकवर हुई है हमें पता नहीं, फिर भी हम उनको आप लोगों ने उनसे कांटेक्ट करने की दोबारा कोशिश नहीं की क्या? जब हमें पता चला कि वो उनकी तबीयत बिगड़ गई तो हमने फिर कांटेक्ट नहीं किया, फिर हम हमारे दूसरे जो जो काम थे हम उसमें बिजी हो गए। जब भी वो अच्छा होकर यहाँ आएंगे तो हम उनसे एक बार ज़रूर बात करेंगे और हमारा मुद्दा और एक बार उठाने के हम उनको विनती करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे साथ लड़कियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या उनके हालात हैं, कैसे वो लोग दिल्ली में रह रहे हैं क्योंकि 50 दिन का समय हो गया है, महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं और दिल्ली में हैं। शुभांगी सबसे पहले आप बताइए, आप लोग 50 दिन हो गए हैं, आपके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? परिवार वालों का फुल सपोर्ट है कि आप वहाँ पे रह के कुछ करो क्योंकि दिल्ली सेंटर है ना, तो SSC का भी जो है ना यहाँ पे है सेंटर दिल्ली। लेकिन देखिए सेंटर दिल्ली है, मान लिया केंद्र सरकार यहाँ पे है, SSC का ऑफिस यहाँ पे है, SSC की तरफ से भी आपको कोई जवाब नहीं मिला? SSC ने सीधा हाथ खड़े कर दिए कि हमसे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सरकार है जो उनको बताती है इतनी पद भरो तो ये इतनी पद भरते, सरकार बोलती है कि रोज़गार देंगे तो हम क्वालिफाइड होने के बाद भी रोड पे बैठे अभी पार्क में बैठे रास्ते पर रहते, हम खाने पीने की कुछ भी व्यवस्था नहीं है, सोने पीने की कुछ भी नहीं है, तो सरकार सिर्फ रोज़गार बताती है देंगे देंगे कुछ देती नहीं है, और जितने पद निकाले उन्होंने 60,210 वो भी कंप्लीट नहीं है, तो रोज़गार की बात कहाँ से आएंगी? बिल्कुल देखिए शुभांगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से देखें बंगाल में अभी चुनाव हो रहा है वहाँ पर रोज़गार देने की बात की जा रही है, उसके लेकर क्या कहेंगे आप? सिर्फ चुनाव होने तक रोजगार देंगे, वो होने के बाद रोजगार कहाँ है, मेहनत करो आत्मनिर्भर बनो रास्ते पर चाय बेचो पकोड़े बेचो यही बोलेंगी सरकार, बाकी कुछ नहीं बोलेंगी। सिर्फ चुनाव होने तक उनके बड़े बड़े वादे रहते कि रोजगार देंगे यूथ को ये वो भविष्य है, बाकी कुछ भी नहीं है सिर्फ वो होने तक चुनाव होने तक। बिल्कुल देखिए शुभांगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं इतना समय हो गया है, आप लोग भूख हड़ताल की भी अब बात कर रहे हैं, आपको लगता है भूख हड़ताल करने से इस बात का समस्या का समाधान निकलेगा? भूख हड़ताल करने से बात का समाधान जरूर निकलेगा क्योंकि एक आंदोलन करने की प्रक्रिया है, अहम प्रक्रिया है कि हम खाना पीना छोड़ देंगे और जी के भी क्या करेंगे, नौकरी नहीं, हमारा सपना तोड़ दिया सरकार ने। लेकिन देखिए बिल्कुल जिस तरह से आप कह रही हैं भूख हड़ताल करेंगे ज़रूरी नहीं है आपकी बात सुनी जाएगी, उससे उल्टा यही होगा कि आपकी सेहत पर उसका असर पड़ेगा। नहीं ज़रूर सुनी जाएंगी, हम सरकार के खिलाफ तो नहीं है लेकिन हमें हमारे साथ जो अन्याय हुआ है तो हम जो लोगों तक है ये बात पहुंचाएंगे इस आंदोलन के थ्रू कि हमारे साथ देखो कितना बड़ा आंदोलन मतलब अन्याय हुआ है। बिल्कुल देखिए लगातार ये लोग तमाम कोशिशें कर रहे हैं, तमाम प्रयास कर रहे हैं भूख हड़ताल करने की, ये लोग बात कर रहे हैं ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके। देखिए भूख हड़ताल की यहाँ पर बात हो रही है, कहा जा रहा है भूख हड़ताल की जाएगी, लेकिन जब सरकार अभी आप लोगों को नहीं देख रही, पिछले 50 दिन से आप लोग बैठे हैं कोशिश लगातार करते जा रहे हैं, फिर भूख हड़ताल करके ऐसा क्या होगा कि सरकार की नज़र जो है आप पर पड़ जाएगी? सरकार तो हमारी बातें उनको माननी पड़ेंगी क्योंकि सरकार तक हमारी बातें पहुंच गई है, पर सरकार हमें इग्नोर कर रही है, हमें 50 दिन हो गए हम यहाँ रहते हैं। अच्छा ठीक है, अगर आप कह रही हैं कि सरकार हमें इग्नोर कर रही है, वजह क्या हो सकती है उसकी? सरकार तो बोलती है नई भर्ती निकालना है, नई भर्ती का क्या मतलब, उसके पैसा कमाना है बस इतना ही, जो ऑलरेडी उसके पास मेडिकल फिट है लेकिन उनको हमें जॉइनिंग नहीं देनी। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ महाराष्ट्र से दिल्ली चलकर आई वहाँ पे आपने किसी नेता से बातचीत करने की कोशिश की थी? मैम हम जिस स्टेट में रहते वही हमें नेताओं से बात की और यहाँ आकर भी हमने PMO चाहे PMO ऑफिस हो या CMO ऑफिस राष्ट्रपति, हमने सभी के पास निवेदन दिया है, राष्ट्रपति से हमने इच्छा मृत्यु पत्र भेजा है, लेकिन देखिए इच्छा मृत्यु का आप बार बार जिक्र करते हैं, बार बार कहते हैं कि अगर हमारी मांग नहीं पूरी की जाएगी हम आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन क्या वो समस्या का समाधान है? क्योंकि देखिए आपके परिवार भी है, आपके और लोग भी हैं जो आपको चाहते हैं आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप इच्छा मृत्यु की बात करती हैं, जितनी मेहनत करके आपके परिवार वालों ने आपको पढ़ाया इस काबिल बनाया, तो आप उनको क्या देंगी? मैम 50 दिन हो गए हम तो यहाँ मर ही रहे, हमारी तबीयत भी बहुत डाउन हो चुकी है, घर वालों का तो फुल सपोर्ट है कि
आप वहाँ पे गए तो कुछ करके आओ। देखिए सपोर्टफुल है, लेकिन परिवार वाले ये भी नहीं कहते होंगे कि अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आप आत्मदाह कर लेना। वो घर वालों तो हम खाली हाथ से कैसे जाएंगे मैम, वो तो सोच रहे हमारी लड़की घर आएगी और कुछ तो करके आएगी, यही उनकी सोच है। जब हम घर जाएंगे तो क्या बताएंगे उसके, तो हम यहाँ भूख हड़ताल करने के बाद मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है हमें। तो मतलब देखिए अगर घर वालों के पास आप जाएंगे, आप कह रही हैं कि किस क्या मैम, हम ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकते और हमारा मुंह भी हम उनको नहीं दिखा सकते। वो ऐसी सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ऐसे वो सोचते। कैसे बताएंगे हम उनको, उनका कॉल आता है हमें, बेटी तू कैसी है, हम बोलते पापा मम्मी हम अच्छा है। बात क्या होती है आपकी घर वालों से, अब जिस तरह से आप पिछले 50 दिन हो गए हैं, आपकी बात क्या होती है, क्योंकि आप भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, आप अपडेट उन्हें रोज देते होंगे। मैम वो तो घर वाले रोज फोन करते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से नहीं बता पाते कि बस मम्मी ऐसी बोल रही कि बेटी तूने खाना खाया, मैं बोलती हूँ हाँ मम्मी हम बहुत हैप्पी है यहाँ पे, सब कुछ अच्छा है। नहीं पता आप यहाँ किस तरह से रह रही हैं। नहीं पता मैम हम इस तरह से किस क्या इस तरह से हमारी क्या हालत है, उनको नहीं पता कि हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि हम बताएंगे तो उनका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, वो सोचने लगेंगे क्या है और परेशान हम उनको नहीं कर सकते। और हम कुछ ऐसी बातें कि हम हमारे घर वालों को भी नहीं बताया। बिल्कुल देखिए उम्मीद कहीं ना कहीं परिवार वालों को भी है, इनको भी है, क्योंकि कोशिश ये कर रहे हैं, परिवार वालों को भी यही उम्मीद है कि जब ये बच्चे इनके घर लौटेंगे, अपने अपने घर जाएंगे तो ज्वाइनिंग के साथ ही जाएंगे। लेकिन शुभांगी देखिए जिस तरह से मैं देखूँ, आप लोग लगातार कहते हैं कि संख्या बल जो है आप लोगों का बढ़ने वाला है और साथ ही आप लोगों के अलग अलग जगह से आने वाले, कब तक आएंगे और फिर आगे क्या करेंगे? अभी तो हमें सरकार मतलब पुलिस यहाँ पे रुकने नहीं दे रही, क्योंकि बोलते 144 धारा लगी है और ये भी बोलते कि कोरोना का टाइम है, जब चुनाव चालू है तब कोरोना नहीं होता है। तो हम साथी जितने भी हमारे SSCGD के हैं, हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि दिल्ली आए और दिल्ली आके सब एक साथ मिलके यहाँ पर सरकार तक हमारी बात पहुँचाएंगे, तब तक तो कुछ होगा नहीं। ठीक है आप कोशिश लगातार कर रहे हैं, अब आगे क्या करेंगे, किस किस जगह पर जाएंगे, कहाँ कहाँ अपने एप्लीकेशन मेमोरेंडम डालेंगे? वैसे तो लगभग हम सभी जगह गए हैं, लेकिन और भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा संसद में गया था, वो संजय सिंह ने और शक्ति सिंह जी ने हमारा मुद्दा उठाया SSCGD का, तो हम और भी कोशिश करेंगे, और भी अपने अमित शाह जी से मिलने की कोशिश करेंगे, और प्रोटेस्ट के लिए हमारा जो अनशन है उसके लिए भी परमिशन निकालने की कोशिश करेंगे। हम जगह सभी जगह मेमोरेंडम देंगे, हमारे राज्य के जो भी मंत्री आते हैं उनसे ही बात करेंगे, सभी तरह की कोशिश करेंगे। एक राजनीतिक जो पॉलिटिक्स लोग होते हैं उनसे ही बात करेंगे, और दूसरा मुद्दा हमारा लोकतांत्रिक देश का संविधान में लिखा है कि हमें प्रोटेस्ट करना है, उसकी भी बात करेंगे। बिल्कुल देखिए अभी भी हौसला इनका बुलंद है, हालांकि देखिए हर जगह से इन्हें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि तमाम कोशिश कर चुके हैं, ये तमाम प्रयास ये कर रहे हैं, लेकिन हाथ में इनके निराशा ही लगती है, लेकिन उसके बाद भी हौसले इनके बुलंद है, हौसले में किसी तरह की कमी नहीं आई है। उम्मीद हम भी यही करते हैं कि जिस हौसले से लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिस मांग को लेकर ये लोग बैठे हैं, वो जल्दी से जल्दी इनकी पूरी कर दी जाए, सरकार इनकी बात सुन ले और ज्वाइनिंग इन्हें दे दी जाए। कैमरामैन संताज के साथ मैं पारुल त्यागी, दिल्ली।